नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुष की आरती में। दोस्तों, आप में से जिन्होंने भी मुझे विपत तारिणी पूजा की धूप आरती के बारे में पूछा था, उसके बारे में आज हम बात कर रहेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल मुझे आ रहा है कि हमारे पास जलपूर्ण शंख नहीं है, हमारे पास चामर नहीं है, तो हम आरती कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आरती के मूल जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो धूप और दीप होता है, मतलब आपके पास धुनची और पंचदीपक जो है वो कम से कम एक एक रहना चाहिए। जल पूर्ण शंख आदि अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे जो है एक पंखा होना चाहिए, माँ को जो है ना शीतल किया जाता है, मतलब आप जो है धूप से दीप से आरती करने के बाद माँ को थोड़ा अगर व्यजन करते तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो कोई पंखा आप ले सकते, चामर एक खरीद सकते हैं, या फिर जो है आम के पत्तों से भी जो है माँ को व्यजन किया जा सकता है। मैं यहाँ पर धूप आरती, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैं यहाँ पर संक्षिप्त में ही आपको ये आरती बताऊँगा जो कि आप सभी लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैं पंच निराजन आदि बताता हूँ कई समय पर उसके बाद मुझे सवाल आ जाता है कि हमारे पास जो है जलपूर्ण शंख आदि नहीं है। तो मैं ये आरती के विषय जो आपको बताने वाला हूँ वो सभी के लिए होगा। तो दोस्तों देखिए, आप जो है माँ की जो पूजन करेंगे उसमें आपको आरती तो करना ही होगा। आप जो है धुनची धूप से आप आरती कर लीजिएगा, पंच दीपक जो है उससे आप आरती कर लीजिएगा, कपूर से अगर आरती करना चाहते तो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप माँ को व्यजन अवश्य कराइएगा, यानी कि चाहे वो चामर से हो, चाहे वो ताल वृत्त के पंखे से हो, या फिर आपके प्रादेशिक तौर पर जो भी पंखे मिलते हैं उससे आप कर सकते हैं, या फिर जो है आम के पत्ते या चामर से आम के पत्ते, या फिर जो है एक प्रकार से वो अशोक के जो पत्ते होते हैं उससे भी बना लिए जाते हैं, उससे भी जो है आप माँ को व्यजन कर सकते हैं। तो माँ के आरती जो है उसके लिए आपको धुनची की ज़्यादा ज़रूरत होगी, और उसके लिए जो है पंचदीपक की आपको विशेष आवश्यकता होगी, और चामर अगर आपके पास है, पंखे आपके पास हैं तो पंखा जो है वो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। पंच निराजन करने के लिए धुनची धूप, पंचदीपक, उसमें जो है जलपूर्ण शंख, पुष्प और चामर, इन पांच चीज़ों से आप आरती कर सकते हैं। पर साधारण तौर पर सभी लोगों के पास जलपूर्ण शंख आदि नहीं होते हैं, खासकर जो लोग ये मैं देखता हूँ एक्चुअली उत्तर भारत से जो लोग हैं या फिर दक्षिण में भी कई लोग हैं उनके पास जो है जलपूर्ण शंख अलग से नहीं होते, वो केवल आचमन पात्र ही इस्तेमाल करते। तो कोई विषय नहीं है, कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है वो। दोस्तों आप जो है धुनची धूप से आप आरती करिए, उसके बाद जो है जल घुमा कर एक बार ताम्र पात्र में आप छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो है पंचदीपक से आरती करिए, आप जल घुमा कर जो है छोड़ दीजिए, उसके बाद माँ को व्यजन कर लीजिए। इस प्रकार से भी जो है आप आरती कर सकते। जो हमारे पास नहीं है उसे देखकर क्या होता है, हम लोग मोहित बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना कि इसी प्रकार से आरती हो रही तो हमें भी उसी प्रकार से करना है, तो इस प्रकार की भावना हमारे मन में बहुत ज़्यादा हो जाते, तो इस वजह से हम थोड़ा उदास हो जाते कि हमारे पास भी अगर ये होता तो हम भी शायद बहुत अच्छे से कर पाते। ये सब कुछ भावना मत रखिए मन में, जो आपके पास है उसी से ही जो है आप आरती करिए। आपके पास जैसे दक्षिण वाले पद्धति से अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि आप दो धुनची से कर सकते, एक धुनची से आपने कर लिए, मान लीजिए कि सप्त धूप से आपने एक धुनची से आरती कर लिए, उसके बाद जो है केवल लाल कुकुल से आपने एक दूसरे धुनची से आपने आरती की है, उसके बाद जो है आप घी वाले एक पंचदीपक से आरती करिए, उसके बाद आप तिल के तेल वाले एक पंचदीपक से आरती करिए, और उसके बाद आप व्यजन करिए। तो ये भी एक प्रकार से पंच आरती होता है, जो कि दक्षिण के तरफ जिसे धूप आराधनाएं दीप आराधनाएं कहा जाता है, इस प्रकार से भी जो है आप आरती कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है ये मतलब दो धुनुची या फिर दो दीपक अगर आपके पास है आरती के, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो हर जगह पर जो है जलपूर्ण शंख इस्तेमाल होता ही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ज़्यादातर मुझे ये सवाल मिले हैं आरती के विषय में कि हमारे पास तो जलपूर्ण शंख नहीं है, क्या हम बजाने वाले शंख से, नहीं बजाने वाले शंख से वो नहीं होता। आप जलपूर्ण शंख इस्तेमाल ना करें कोई समस्या नहीं, उससे भी आपकी आरती जो है ना वो संपूर्ण होगा। दोस्तों आप केवल धूप से दीप से और व्यजन से जो है माँ की आरती आप करिए। और धूप आरती के विषय में मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आप लोग धूप आरती कहते हैं, तो धूप आरती जो होता है वो केवल धूप से आरती नहीं होती है। मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को, पर फिर भी ये सवाल मुझे अब क्यों बार बार आते मैं नहीं समझ पाता, हो सकते कि जो लोग पूछ रहे हैं वो लोग नए हैं।
धूप आरती जो है, आपको धुनुची धूप से आरती करने के बाद आपको दीपक से आरती करना ही होगा, तभी जो है ना आपकी धूप की आरती संपूर्ण होगा, वरना जो है उसे आरती नहीं कहा जाएगा। धूप दीप से हमेशा आरती करना होता है, तभी जो है आरती संपूर्ण होता है। तो आप किसी भी देवी देवता की आरती कर रहे, धूप आरती कर रहे, तो उसमें आपको धुनुची धूप से आरती करना होगा, उसके बाद पंच दीपक से आवश्यक तौर पर आरती करना होगा, तभी जो है आपकी धूप आरती संपूर्ण होगी। साधारण आरती के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप जो है धुनुची धूप से, पंच दीपक से और चांबर से आप आरती कर लीजिए। शंख घंटी आदि बजाकर आरती करिए, नहीं है तो माँ के नाम के साथ या फिर मंत्र बोल के भी, यानी कि वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर मयान्वेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहत ईश अरात्रिक धूप श्री श्री विपत् तारिणी भगव श्री श्री भगवती विपत् तारिणी दुर्गायै निवेदयामि, ये बोलते हुए भी जो है आप धूप से आरती कर सकते हैं और दीप से भी, जैसे कि ईश अरात्रिक दीप श्री श्री भगवती विपत् तारिणी दुर्गायै निवेदयामि, ये बोलकर भी जो है आप आरती कर सकते, स्तव पाठ करके करते हुए भी जो है आप आरती कर सकते, अगर शंख घंटी नहीं है तो, और शंख घंटी है तो आप उस प्रकार से भी, मतलब शंख घंटी बजाकर ही तो आप आरती कर ही पाएंगे उसमें, और अगर शंख घंटी नहीं है तो आप जो है इस प्रकार से हाथ रखकर और एक हाथ में आरती के जो पात्र है उसे लीजिए, और फिर जो है स्तव पाठ करते हुए या फिर इस प्रकार से मंत्र कहते हुए या जय माँ बोलते हुए भी जो है आप आरती कर सकते हैं। बस ध्यान आप ये रखिएगा दोस्तों कि आप अगर धूप आरती कर रहे हैं तो उसमें धूप के साथ आपको दीप आरती आवश्यक तौर पर करना ही होगा। देखिए विपत् तारिणी की पूजा, माँ विपत् तारिणी की पूजा जो है वो आपको सुबह के समय, क्योंकि आप कर रहे हैं तो आप जो है सुबह के समय जब आप पूजा में बैठ रहे हैं तब आप एक बार आरती कर सकते। पूजा आपने संपूर्ण कर ली है, दशोपचार आदि पूजा आपने संपूर्ण कर ली, तब आप एक बार आरती तो आपको करना ही होगा। उसके बाद मध्यान्ह के समय आप भोग आदि दे रहे, धूप सेवा आदि जो कुछ भी दे रहे, उस समय आप एक बार आरती करिए, और संध्या के समय आप आरती आदि करिए, व्रत कथा आदि पाठ करिए, व्रत कथा आदि जब आप पाठ कर रहे हैं वो करते हुए जो है आरती को एक बार करना चाहिए। इससे ही जो है आपको आपकी जो आरती है, मतलब आपकी जो पूजा है, आपकी जो व्रत है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से जो है माँ की धूप आरती करना है या फिर जो है आरती करना है बहुत ही सहज सरल तरीके से। आपके पास धुनुची और पंचदीपक जो है वो होना बहुत आवश्यक है। केवल अगर एक दीपक से आप, मतलब एक दीपक मतलब एक पंच दीपक ही आप जलाकर आरती कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर वही होता है, मैंने साउथ वाले बताया इसलिए मैं आपको एक इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ, तो घृत दीपक से ही आरती करने की कोशिश करिएगा। और आरती के धूप के लिए राल गुगुल घृत यही काफ़ी होता है। अगर आप जो है दशांग धूप आदि इस्तेमाल करके भी आरती करना चाहते, सप्त आरती धूप इस्तेमाल करके भी आरती करना चाहते तो वो भी आप कर सकते। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।